पुष्पेंद्र सिंह साहब, ये तो तय हुआ था ना कि कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, किसी तरह की हिंसा नहीं की जाएगी, शांतिपूर्ण रहेगा ये प्रदर्शन, फिर ये तस्वीरें क्यों? देखिए, किसान शांतिपूर्ण तरीके से जब दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है, कूच कर रहा है, तो उसको बीच में रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों उसके ऊपर जो है आप पानी का छिड़काव या आंसू गैस छिड़कने का काम कर रहे हैं? वो शांतिपूर्वक आ रहा है, निहत्ता आ रहा है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए आ रहा है और अपनी संशयों को दूर करने के लिए आ रहा है। और पूरे कार्यक्रम में जेटली साहब ने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, जो मूल प्रश्न है कि MSP की व्यवस्था प्राइवेट खरीदारों पर क्यों आप लागू नहीं करते, लिखित में क्यों नहीं देते, इसका जवाब आप इनसे मांग लीजिए, सारी समस्या हल हो जाएगी। पूछा मैंने सवाल ये पुष्पेंद्र सिंह जी, एक बार फिर पूछ लेता हूँ, राजीव जेटली साहब, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आखिर क्या है जिसे छिपाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब सीधे सीधे क्यों नहीं देते भाई? आपने ठीक है, बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों को आपने इजाजत दे दी, लेकिन आज की तारीख में वो बिना रजिस्ट्रेशन, बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए जब खरीद बेच करेगा किसान की फसल का, तो उसका भी तो इंतजाम आप ही को करना पड़ेगा ना। वहां पर तय कीजिए कि MSP से कम में नहीं ले सकते कॉर्पोरेट भी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।